तो मूवी एक स्पेनिश टाउन लामांचा से शुरू होती है, जहां नरेटर हमें डॉन किहोटे की स्टोरी सुना रहा है कि होटे एक ब्रेव नाइट था जिसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर एक बात से वो हमेशा परेशान रहता था कि कहानियों में हर एक नाइट के पास एक प्रिंसेस हुआ करती थी, लेकिन उसे आज तक ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन किहोटे एक प्रिंसेस के बारे में पढ़ता है जिसका नाम था डल्सिनिया, पर कोई नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ रहती है। किहोटे का साथी था एक सेंचो नाम का फार्मर जो पैसे और पावर के लालच में उसका साथ दे रहा था, पर वो डल्सिनिया को कभी नहीं ढूंढ पाए और किहोटे की इसी सनक के कारण लोग उसे पागल समझने लगे थे। अचानक एक डोंकी जिसका नाम रूसियो था इस नरेशन को इंटरप्ट करता है कि तुम्हें किहोटे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा नाइट था। रूसियो असल में खुद को एक घोड़ा समझता था और सबको यही बताता था कि डल्सिनिया को पाने में किहोटे की मदद उसी ने की थी, पर नरेटर कहता है कि किहोटे के घोड़े का नाम लेंटे था और तुम तो असल में सेंचो के डोंकी थे। तब रूसियो उसे असली स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो किहोटे और सेंचो के साथ कई मिशन पर जा चुका था। उसका ड्रीम था कि किहोटे नेंटे की जगह उसे अपना घोड़ा बना ले और इसीलिए वो बिहेवियर घोड़े की तरह करता था। तभी तो घोड़े आकर उसकी खूब इंसल्ट करते हैं कि गधों को इस रास्ते पर चलना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और एक घोड़ा अपनी किक से उसे दूर उछाल देता है। रूसियो ने ठान लिया था कि एक दिन वो बहुत फेमस घोड़ा बनेगा जिसकी ब्रेवरी की चर्चा हर तरफ होगी और कोई भी उसे इंसल्ट नहीं कर पाएगा। आगे वो सेंचो के घर पर आता है जहाँ नेंटे को चिकन्स को ट्रेनिंग दे रहा था। रूसियो उसे बताता है कि एक मून नाइट ने किहोटे को लड़ने का चैलेंज दिया है और अगर किहोटे जीत गया तो वो उसे डल्सिनिया की लोकेशन बता देगा। नेंटे इन सब से थक चुका था कि मैं अब और किसी एडवेंचर पर नहीं जाना चाहता और वैसे भी लोग हमें सन की समझते हैं। वो उस लेटर को भी नष्ट कर देता है ताकि किहोटे को इसके बारे में कुछ पता ना चले। तभी सेंचो वहाँ आता है जिसे गवर्नर ने पैलेस में मिलने के लिए बुलाया है और वो रूसियो को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। पैलेस में किहोटे भी मौजूद था लेकिन सेंचो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और गवर्नर से यहाँ बुलाने का कारण पूछता है। गवर्नर उनकी बहुत तारीफ करता है कि तुमने एक साथ कई कारनामे किए हैं और लोग भी तुम्हें एक हीरो मानते हैं, खास करके किहोटे को, तो फिर तुम आपस में क्यों नाराज हो। असल में डल्सिनिया को ढूंढने के बदले किहोटे ने उसे एक गाँव का गवर्नर बनाने का प्रोमिस किया था, लेकिन वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। हालांकि सेंचो का कहना था कि उसने डल्सिनिया को अपनी आंखों से देखा है और फिर भी किहोटे ने अपना वादा पूरा नहीं किया। गवर्नर उन्हें शांत करता है और कहता है कि मेरे पास लोगों के लेटर्स आ रहे हैं जो चाहते हैं कि किहोटे उस मून नाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले जिसके पोस्टर्स पूरे टाउन में लगे हुए हैं। वो कहता है कि इससे तुम डल्सिनिया से मिलने का मौका पा सकते हो और हमारे टाउन के लिए भी ये गर्व की बात होगी, लेकिन साथ ही वो उसे वॉर्न भी करता है कि अगर तुम हार गए तो डल्सिनिया हमेशा के लिए उस मून नाइट की हो जाएगी। सेंचो इस मिशन पर नहीं जाना चाहता था लेकिन इमोशनल करके गवर्नर उसे तैयार कर लेता है। फिर वो किहोटे को एक पुराना आर्मर देता है और बताता है कि ये एक बहुत ही ब्रेव नाइट का है जो इस मिशन पर तुम्हारे बहुत काम आएगा। किहोटे उस आर्मर को पहनकर निकल पड़ता है, लेकिन सेंचो का मूड अभी भी खराब था। वो दोनों उसके घर आते हैं जहाँ सेंचो उसके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि इस बार मैं खुद को बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। किहोटे जानता था कि सेंचो बहुत लालची है, वो उसे खजाना देने के बहाने मना लेता है और वो मून नाइट को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं एक मिनिस्टर गवर्नर से पूछता है कि आखिर आप किहोटे की हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर गवर्नर बताता है कि मैं उसकी पॉपुलैरिटी से परेशान हो चुका हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक अगली बार उसे ही गवर्नर बना दे, इसीलिए सबके सामने उसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं उसे चैलेंज में नहीं पहुँचने दूंगा और इससे पब्लिक में उसकी इमेज खराब हो जाएगी। वो आर्मर जो उसने किहोटे को दिया था उसमें एक डरपोक नाइट की स्पिरिट है जो लड़ाई देखते ही पीछे हट जाती है। इसके अलावा सिनिस्टर नाइट भी गवर्नर की मदद करने वाला है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उधर वो दोनों दिन रात चलते ही जा रहे थे और एक लंबे सफर के बाद एक टाउन में आते हैं। वहाँ वो काफी सारे नाइट्स को एक लाइन में देखते हैं और एक आदमी उन्हें बताता है कि ये सब डल्सिनिया को देखने आए हैं जो सामने बने टेंट में आराम कर रही है, लेकिन असल में ये सब गवर्नर की चाल थी जिसके लोग टेंट में उनका वेट कर रहे थे और अंदर आते ही उन पर अटैक कर देते हैं। किहोटे का आर्मर उसे लड़ाई से दूर ले जाना चाहता था लेकिन वो किसी तरह उन लोगों पर काबू पा लेता है। पर्दे के पीछे उन्हें डल्सिनिया दिखाई देती है जो कि असल में एक लकड़ी का मॉडल थी, और इससे पहले कि किहोटे उससे बात कर पाए मिनिस्टर के लोग उसे लेकर भाग जाते हैं और किहोटे को लगता है कि शायद वो किडनैप हो गई है।
वो दोनों उनका पीछा करते हैं, लेकिन मिनिस्टर की गाड़ी बहुत तेज थी और वो उनसे बचकर निकल जाता है। रात को वो एक जगह आराम करने रुकते हैं, जहाँ किहोटे सैंचो से डल्सिनिया के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसी दिखती है, लेकिन सैंचो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो इस टॉपिक को चेंज कर देता है। किहोटे रात को एक सपना देखता है कि डल्सिनिया किसी मुसीबत में है, लेकिन जैसे ही वो उसे बचाने जाता है, कुछ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं और इससे उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक लोयन किसी लेडी पर अटैक करने वाला है। किहोटे उस लेडी को बचाने का प्लान करता है, लेकिन आर्मर की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। रूसियों को लगता है कि बहादुरी दिखाने का यही मौका है और वो आगे बढ़ के उस लोयन को चित कर देता है। वो लेडी मदद के लिए उनका थैंक्स बोलती है और कहती है कि मेरा कैसल पास ही में है, जहाँ तुम कुछ देर आराम कर सकते हो, और किहोटे भी उसकी बात मान जाता है। जल्दी ही वो सब उस कैसल में आते हैं और किहोटे किंग के साथ उसी लोयन को देखता है जिसने क्वीन पर अटैक किया था। इस पर किंग उसे कहता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मेरा पालतू बन चुका है। फिर किहोटे से उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों ने डल्सिनिया को किडनैप कर लिया है, और ये सुनकर किंग उसकी मदद करने को कहता है कि डल्सिनिया को मेरे लोग जल्दी ही ढूंढ लेंगे और इसे तुम क्वीन को बचाने के लिए अपना इनाम समझ लेना। फिर वो सैंचो से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, और सैंचो कहता है कि मैं हमेशा से गवर्नर बनना चाहता था, इसीलिए हो सके तो मुझे एक टाउन गिफ्ट कर दीजिए। किंग इसके लिए तैयार हो जाता है कि मेरे पास एक ऐसा ही टाउन है, लेकिन तुम्हें वहाँ के लिए कल ही निकलना होगा। सैंचो इस बात से बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे किहोटे का ख्याल आता है कि अब उसे आगे की जर्नी अकेले करनी पड़ेगी। इस पर किहोटे उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस दिए हैं और अब तुम्हें जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। सैंचो उससे माफी मांगता है कि मैंने आज तक तुम पर बेवजह ही शक किया और तुम तो अपने वादे के बिल्कुल पक्के हो। उसी शाम क्वीन सैंचो को गार्डन में बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानती हूँ, कि तुमने आज तक डल्सिनिया को कभी नहीं देखा और किहोटे से हमेशा झूठ बोलते आए हो। फिर वो उसे सिनिस्टर नाइट के बारे में बताती है कि कैसे वो किहोटे को मारना चाहता है, और अगर उसे बचाना चाहते हो तो जैसा हम कहें तुम्हें वैसा करना होगा। सैंचो के पास और कोई चारा नहीं था और वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। रात को वो सब डिनर कर रहे थे कि तभी किंग अपने बटलर को इशारा करता है। फिर बटलर कुछ देर बाद आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सोल्जर्स ने उन किडनैपर को पकड़ लिया है और उनके साथ एक लड़की भी है। किहोटे ये सुनकर बहुत खुश होता है और सैंचो से पूछता है कि क्या यही डल्सिनिया है। सैंचो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसे ऐसा करना ही पड़ता है। किहोटे बाहर उसे मिलने जाता है और देखता है कि उस लेडी की भाषा तो एकदम सड़क छाप है, पर उसे अभी भी उस पर कोई शक नहीं होता। यही हम नैंटे को देखते हैं, जो डल्सिनिया के मिलने से बहुत खुश है कि अब उन्हें और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन रूसियो इस एडवेंचर को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। तभी सैंचो रूसियो को अपने साथ चलने को कहता है कि मैं इस जगह और नहीं रुक सकता और हम लोग अपने टाउन पर जा रहे हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे किहोटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं अब उसे कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। वही किंग किहोटे से शादी करने को बोलता है कि अब उसे देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन किहोटे इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। तब वो उसे उस लेडी के पास लेकर जाते हैं, जो किहोटे को इमोशनल करने लगती है, और उसके पास भी एग्री होने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। उसी शाम नैंटे को एक होल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो असल में सिनिस्टर और उसके साथियों की थी, और किंग क्वीन और वो लेडी भी उन्हीं के साथ हैं। वो अपने प्लान के कामयाब होने से बहुत खुश थे कि किहोटे अब चैलेंज में नहीं जा पाएगा, लेकिन तभी उनके रैकून की नजर नैंटे पर पड़ती है और वो उसके पीछे लग जाता है। नैंटे बचता हुआ बाग में आता है, लेकिन वहाँ भी एक घोड़ा सिनिस्टर का ही साथी था और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। कैसल में किहोटे की शादी होने वाली थी और वो अपने फ्रेंड सैंचो को बहुत मिस करता है कि काश वो भी इस वक्त मेरे साथ ही होता। उधर सोल्जर्स तो सैंचो को उसके टाउन की ओर ले जा रहे थे, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि काफी देर से वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं। वो सोल्जर से वापस कैसल में चलने को बोलता है, ये सुनकर वो उस पर अटैक कर देते हैं, पर रूसियो किसी तरह उसे लेकर बच निकलता है। वही रैकून ने बांध में आग लगा दी थी ताकि नैंटे उसमें जलकर मारा जाए। किहोटे ये देखकर उसकी मदद करने आता है, पर सिनिस्टर के लोग उसे ऐसा नहीं करने देते। तभी वो किंग के लोयन को देखते हैं, जो बांध में जाकर नैंटे को बचा लेता है और नैंटे सुरक्षित बाहर आ जाता है। किहोटे नैंटे की हालत से बहुत परेशान था, पर तभी किंग और क्वीन वहाँ उस लेडी को लेकर आते हैं,
और कहते हैं कि ये शादी हमें अभी ही करनी होगी। किहोटे को भी ये थोड़ा अजीब लग रहा था और तभी वो देखता है कि सेंचो वहाँ वापस आ गया है और उन्हें इस शादी को रोकने को बोलता है। वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने डल्सिनिया के बारे में झूठ बोला था और ये सुनकर किहोटे का दिल टूट जाता है। वो वापस घर जाना चाहता था लेकिन रूसी और नैंटे उसे ऐसा नहीं करने देते और उन्हें लेकर बार्सिलोना की ओर जाने लगते हैं जहाँ मून नाइट का चैलेंज होने वाला है। वो देखते हैं कि यहाँ भी नाइट की भीड़ लगी हुई है और वो सभी अपने आप को किहोटे बता रहे हैं ताकि डल्सिनिया से शादी कर सके। किहोटे भी खुद को रजिस्टर करता है और देखता है कि पहले उसे इन फेक नाइट से लड़ना होगा, पर आगे उसे पता चलता है कि नैंटे की हालत बहुत खराब है और वो उसका साथ नहीं दे पाएगा। रूसियो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि काश किहोटे उसे चुन ले, पर किहोटे उस पर कोई ध्यान नहीं देता। रूसियो उदास होकर बाहर जाने लगता है लेकिन तभी उसे किहोटे की आवाज आती है जो नैंटे की जगह उसे यूज करना चाहता है। वो ऑफिशियली रूसो को एक घोड़ा अनाउंस करता है और इससे रूसियो की विश पूरी हो जाती है। आगे हम उस चैलेंज को देखते हैं जहाँ फेक नाइट्स आपस में मुकाबला कर रहे हैं और सिनिस्टर नाइट भी यही मौजूद है। मिनिस्टर उसे बताता है कि हमारा आदमी भी यहाँ पहुँच चुका है और वो किहोटे को आगे नहीं बढ़ने देगा। उधर किहोटे की पहली फाइट शुरू होने वाली थी और वो अपने आर्मर के सामने प्रे कर रहा था। सेंचो उसे इस आर्मर से दूर रहने को बोलता है कि शायद इसकी स्पिरिट सच में डरपोक है, लेकिन किहोटे का मानना था कि नाइट कभी डरपोक नहीं हो सकते और टाइम आने पर ये स्पिरिट भी अपना कमाल जरूर दिखाएगी। उधर रूसियो का सामना उन्हीं घोड़ों से होता है जो मूवी के शुरू में उसे बुली कर रहे थे और यहाँ भी वो उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तभी किहोटे आकर उसे अपने साथ ले जाता है और वो दोनों घोड़े देखते रह जाते हैं। आगे इस चैलेंज का सेमीफाइनल राउंड था जहाँ एक नॉर्मल इंसान सिनिस्टर की उस किलर नाइट को हरा देता है और ये देखकर सिनिस्टर को बहुत गुस्सा आता है। किहोटे भी अपना राउंड आसानी से जीत गया था और जल्द ही वो फाइनल में पहुंच जाता है। रात को उसका मुकाबला उस मून नाइट से होता है जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन किहोटे को तो बस डल्सिनिया की चिंता थी। तभी सिनिस्टर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये गवर्नर है जो गुस्से में उन्हें सब बता देता है कि कैसे अब तक वही उसे रोकना चाहता था। फिर हम मून नाइट और किहोटे की फाइट को देखते हैं जहाँ किहोटे का आर्मर निकल जाता है, पर वो रूसियों की मदद से इसका बदला ले लेता है और वो दोनों ही अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। अब उनके बीच तलवार की फाइट होती है लेकिन मून नाइट उस पर भारी पड़ रहा था। तभी गवर्नर मौका देखकर उसे धक्का देता है जिससे किहोटे सीधा मून नाइट की तलवार पर गिरने वाला था, पर वो आर्मर बीच में आकर उसे बचा लेता है और स्पिरिट खुद को ब्रेव बनाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। सेंचो उधर गवर्नर को संभालता है और ये दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं, पर जल्दी ही मून नाइट उसे काबू कर लेता है और किहोटे भी एक नाइट की तरह अपनी हार को स्वीकार करता है और कहता है कि वैसे तो मैं डल्सिनिया से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन शायद तुम उसके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो। मून नाइट उसकी सच्चाई से बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम सच में एक ब्रेव नाइट हो और मैं तुम्हें इस चैलेंज का विनर अनाउंस करता हूँ। फिर वो अपना मास्क उतारता है और पता चलता है कि वही असली डल्सिनिया है जो खुद भी किहोटे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी और इसीलिए उसने ये चैलेंज रखा था ताकि असली किहोटे उसके सामने आ सके। आगे हम देखते हैं कि सेंचो लोयन और नैंटे के साथ वापस जा रहा है और किहोटे डल्सिनिया के साथ वहीं रहने का फैसला करता है। रूसियो को भी उसने अपने साथ रख लिया था जो कहता है कि फाइनली मैं दुनिया का सबसे फेमस घोड़ा बन गया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।